गणेशोत्सव के समापन पर मूर्ति विसर्जन के लिए प्रशासन द्वारा राजघाट पुल स्थित राप्ती नदी तट पर बनाए गए 3 कृत्रिम पोखरों में श्रद्धालुओं द्वारा बृहस्पतिवार को गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि समितियों से अपील की गई है कि वह पर्यावरण संरक्षण को लेकर नदियों के बजाय पोखरों में प्रतिमाओं का विसर्जन करें। इसी को लेकर प्रशासन द्वारा 25x25 मीटर चौड़ी और 12 फीट गहरे तालाब तैयार किया गया है, जिसमें श्रद्धालु विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात गणेश प्रतिमा का विसर्जन करें। इस संबंध में सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने बताया कि विसर्जन में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पथ प्रकाश और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। दलदली जमीनों के पास लोहे की चादरें बिछाई गई हैं। बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए ट्राली की भी व्यवस्था की गई है, जिससे मुख्य सड़क से घाट तक प्रतिमाओं को आसानी से लाया जा सके। साथ ही विसर्जन वाले रूट की सड़कों की मरम्मत भी की गई है। साथ ही 3 पोकलेन भी लगाए गए हैं, जो प्रतिमाओं के विसर्जित होने के बाद उसमें लगे बांस बल्लियों को हटाकर बाहर निकालेंगे, जिससे अन्य प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जगह बन सके। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। वहीं विसर्जन का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने भी विसर्जन का स्थल का जायजा लिया। इस दौरान इंस्पेक्टर बेलीपार संतोष सिंह, चौकी इंचार्ज भागवत चौधरी, एसआई जुगेश आनंद, महिला कांस्टेबल सोनी सिंह, कांस्टेबल सुशील अनुराग, रोहित समेत दर्जनों महिला और पुरुष पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एक भक्त व सीओ बांसगांव नितेश सिंह और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा। चल गणपति जी की तो इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है,
कि हम इनकी पूजा को सर अपने मन से मानते हैं, मगर सर 2 साल से अभी ये हमारा 2रा साल है और हम इनकी पूजा मन से कर रहे हैं और जो इनकी भक्ति है, जो इनकी श्रद्धा है, जो इनकी शक्ति है, हम इनके ऊपर कृपा है, हम इनको मानते हैं कि हाँ ये हमारे सब कुछ है। किस विधि विधान से आप लोग पूजा करते हैं और आज क्या करते हैं? हम लोग सर पूरी विधान से पूजा पाठ करते हैं और सर सुबह और शाम पंडित जी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आरती वरती सब करते हैं सर, और सर सारा काम अपने विधि विधान से। और सर बिजाल भंडारा हमने किया था सर, डेली कपूर है और क्या नाम है, खीर है, हलवा पूरी का भोग जो भी था सर हमने किया है। सब बप्पा की ही देन है, अब बप्पा जितने हैं सब उनके आशीर्वाद से हो रहा है। गज बप्पा मंगल मूर्ति सर, सब बप्पा का आशीर्वाद से ही हो रहा है। गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर यहाँ पर जो राजघाट का पुल है, यहाँ पर एक यहाँ अपना पोखर बनाया गया है जिसमें साफ पानी है जो रोज़ सुबह जाके क्लीन लगातार निरंतर किया जा रहा है। इसी में विसर्जन की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था, बैरिकेडिंग वगैरह सब है जो प्रशासन द्वारा की गई है और पुलिस प्रशासन के पुलिस के द्वारा जो है वो पर्याप्त ड्यूटी बल लगा रखा है यहाँ पर, और इसी के अनुरूप फायर टेंडर और अन्य जो भी है NDRF की 2 टीमें और 3 स्टीमर बोट्स यहाँ पर अपने जो वो रबर बोट्स वो लगाई गई हैं। इसमें गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए राजघाट पे 4 तालाब बनाए गए हैं जिसमें विसर्जन की पूरी सुरक्षा के साथ विसर्जन की व्यवस्था की गई है। शहर की बहुत सी मूर्तियां जो हैं यहाँ राजघाट पे आ रही हैं। सर क्या ये कल भी विसर्जन का कार्य यहाँ चलेगा? नहीं, विसर्जन की तिथि तो आज ही है, जो कोई लेट हो जाएगा तो 12 बजे के बाद अपना विसर्जन कर लेगा, लेकिन तिथि तो आज ही है विसर्जन की।